नमस्कार दोस्तों। तो ये हिंदी में दिक् चक्र और काल चक्र के बारे में एक लाइव सेशन है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि दिक् चक्र क्या होता है, काल चक्र क्या होता है। सो दिक् चक्र बेसिकली फिजिकल यानी स्पेस है। ओके, जो फिजिकल है, जो दिखता है वो बिकता है। और काल चक्र टाइम है। ओके, सो दिक् चक्र में आपको ये पता चलता है कि कौन मैट्रिक्स में जो 8 डायरेक्शन प्लस 2 डायरेक्शन, 8 डायरेक्शन कौन से हैं? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आग्नेय, वायु, देन ईशान्य और नैऋति। ये 8 डायरेक्शन हैं। इसको हम बोलते हैं 8 लोकपाल। और एक ब्रह्मा और एक अनंता। सो ब्रह्मा डाउनवर्ड है क्योंकि ब्रह्मा क्रिएटर है, ब्रह्मा की वजह से आपका जन्म हुआ है। ठीक है। और केतु यानी मोक्ष, मुक्ति, मरने के बाद ऊपर। कुछ लोग मरने से पहले भी जा सकते हैं, एसेंशन बोलते हैं उसको। सो ये समझना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक्चुअली ये दिक्चक्र और कालचक्र क्या है। दिक्चक्र आपको बताता है कि ओके, कौन से डायरेक्शन से आपका लाइफ में एनर्जीज आते हैं, कहाँ से आपको कठिनाइयाँ आती हैं या आपके लाइफ लेसन्स आते हैं। लेकिन कालचक्र आपको ये बताएगा कि कैसे उन चीज़ों को ओवरकम करना है या कौन से चीज़ आपको ओवरकम आप करेंगे। इनिशियली लाइफ में ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, कुछ ना कुछ होते रहता है लाइफ में, आपको समझ में नहीं आता है। लेकिन बहुत सारा अनुभव के बाद या ऐसे लेसन्स के द्वारा भी आप समझ सकते हैं कि ये हो क्या रहा है एग्जैक्टली। सो आत्मा विश्लेषण करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अच्छा, ईस्ट में सूरज है, सूरज को सिर्फ सूरज ही ओवरकम कर सकता है, ये क्या विडंबना है। बाकी फिजिकल दिक्चक्र और कालचक्र में ऐसा नहीं है, राइट? लेकिन इसमें ऐसा क्यों है ये भी आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए रियल लाइफ में भी, आप प्रैक्टिकली देखिए, पॉलिटिशियन को सिर्फ पॉलिटिशियन हरा सकता है, जनरली मैं बता रहा हूँ। हाँ, मीडिया वाले ये मेरकुरी या कोई और भी एक्सपोज कर सकता है, लेकिन जनरली मैं बता रहा हूँ। तो वैसे आपको मेरे प्रीवियस वीडियो एडवांस लेसन में कालचक्र दिक्चक्र को जाके उसके ऊपर मंथन करना है, समझना है कि फिजिकल और टाइम ये क्या कंपोनेंट है। मैं आपको और बताऊंगा, बताते जाऊंगा, लेकिन ये मैं सोचा था कि लाइव में भी एक बार बता दूं, सो डैट आप अच्छी तरह से समझें कि एडवांस लेसन्स में ऐसे ही कॉन्सेप्ट आएंगे और आपको और बारीकी से इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद।